गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी चैप्टर 7 कलेक्शंस, पेज नंबर 15। आई होप यू आर ऑल आर फाइन एंड रीड चैप्टर वेरी केयरफुली। चलिए हम अपने इस पार्ट को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और पता करते हैं कि जो कलेक्शंस होते हैं, जो इकट्ठे होते हैं, या हम इनको ग्रुप भी कह सकते हैं, जो समूह होते हैं, हम उनको अलग अलग जो एनिमल्स हैं, जो हमारे पशु हैं, पीपल हैं, जो लोग हैं और जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो चीज़ें हैं, हम उनको अलग अलग ग्रुप में या अलग अलग समूह में उनका क्या नाम देते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं, हम अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, व्हाट डू यू कॉल अ कलेक्शन ऑफ बीज, के बेटा उस ग्रुप को, उस कलेक्शन को, कलेक्शन मीन्स होता है संग्रह को, हम क्या कहेंगे। बीज होती है जो हनी बी, जिनसे हमें शहद मिलता है, हनी बीज को हम क्या कहेंगे जब वो इकट्ठा एक ग्रुप में होती है, एक समूह में होती है, हम उसको क्या कहेंगे। आंसर है इट इज कॉल्ड अ स्वार्म ऑफ बीज, कि हम इसको कहेंगे मधुमक्खियों का झुंड। क्या कहते हैं हम इसको, मधुमक्खियों का झुंड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट डू यू कॉल अ कलेक्शन ऑफ फिश। अब इसका मतलब है कि जो मछलियां होती हैं, जो एक ग्रुप में, एक समूह में होती हैं, जो कलेक्ट होती हैं, हम उसको क्या कहते हैं। आंसर है इट इज कॉल्ड अ शॉल ऑफ फिश, हम इसको शॉल कहते हैं, शॉल ऑफ फिश। मछलियों के ग्रुप को हम कहेंगे शॉल ऑफ फिश। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट डू यू कॉल अ कलेक्शन ऑफ डियर, के जो हिरण होते हैं, डियर मींस होता है हिरण, हम हिरण के ग्रुप को, संग्रह को क्या कहेंगे। आंसर है इट इज कॉल्ड अ हियर्ड ऑफ डियर, हियर्ड माने भी हमारा ग्रुप होता है, लेकिन हियर्ड यहाँ पे हमने डियर मतलब हिरण की बात करी है, तो हिरण के झुंड को क्या कहेंगे, हियर्ड ऑफ डियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट डू यू कॉल अ कलेक्शन ऑफ ऑक्सन, ऑक्सन मींस होता है बैल, जब बैल एक ग्रुप में चलते हैं तो उनको क्या कहते हैं। आंसर है इट इज कॉल्ड अ टीम ऑफ ऑक्सन, हम कहते हैं टीम ऑफ ऑक्सन, के जो बैल होते हैं उनके संग्रह को, उनके ग्रुप को टीम कहते हैं। जैसे प्लेइंग में जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो वहां पे जो 11 हमारे प्लेयर्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको भी हम टीम ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू कॉल अ कलेक्शन ऑफ पिग्स, जब सुअर, पिग्स माने सुअर जो होते हैं, उनका जो कलेक्शन होता है, जो उनका संग्रह होता है, उसको हम क्या कहते हैं। तो आंसर इट इज कॉल्ड अ लिटर ऑफ पिग्स, लिटर ऑफ पिग्स मतलब सुअरों का झुंड। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू कॉल अ कलेक्शन ऑफ शीप, कि हम भेड़ों के ग्रुप को क्या कहेंगे, भेड़ों के संग्रह को क्या कहेंगे, कलेक्शन संग्रह को। आंसर इट इज कॉल्ड अ फ्लॉक ऑफ शीप, इसको कहेंगे हम फ्लॉक ऑफ शीप, मतलब भेड़ों का झुंड। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाट डू यू कॉल अ कलेक्शन ऑफ लॉस्टर्स, लोकस्ट्स होते हैं हमारे टिड्डी। अभी आपने सुना भी होगा कि टिड्डियों का दल आ गया है, अभी कोरोना के बीच में हम लोगों ने सुना था कि हम हमारी फसलों को खराब कर रहे थे, तो देखिए हम उनके ग्रुप को क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड अ क्लाउड ऑफ क्लस्ट्स, ठीक है, टिड्डियों के झुंड को कहते हैं। क्लाउड मतलब टिड्डियों का बादल, वो एक बादल की तरह छा जाती हैं सारे हमारे ऊपर, तो उसको कहते हैं क्लाउड और क्लस्टर। आंसर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट डू यू कॉल अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, फूलों का जो एक कलेक्शन, जो एक संग्रह होता है, हम उसको क्या कहते हैं। आंसर है इट इज कॉल्ड बुके ऑफ फ्लावर्स, के गुलदस्ता किसका, फूलों का, बुके फूल हम उसको कहते हैं गुलदस्ता। चलिए हम अपना देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू कॉल अ कलेक्शन ऑफ बीड्स, बीड्स होते हैं मोती, बीड्स मींस मोती। आंसर है इट इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग ऑफ बीड्स, हमारी मोतियों से हमारी क्या बनती है, माला बनती है, और जिसको हम अपने मतलब अपने गले को पहनने में, अपने गले को कवर करने में काम करते हैं, और बहुत ही सब बच्चे उसको पहनना भी बहुत पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू कॉल अ कलेक्शन ऑफ शूज, है ना, आपने सभी ने देखा होगा कि हमारे जो शूज होते हैं वो एक साथ होते हैं, दो पेयर में होते हैं, तो इट इज कॉल्ड पेयर्स ऑफ शूज, हम हमेशा शूज के पेयर बोलते हैं, पेयर्स ऑफ शूज। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू कॉल अ कलेक्शन ऑफ कीज, जो चाबी होती है, जो हम उनको एक साथ इकट्ठा एक उसमें कर देते हैं बंच में, तो इट इज कॉल्ड अ बंच ऑफ कीज, हम कहते हैं चाबियों का गुच्छा,
हम हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं, बंच ऑफ कीज, और उसको हिंदी में कहते हैं चाबियों का गुच्छा। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डू यू कॉल अ कलेक्शन ऑफ कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, हमको खेलना भी बहुत अच्छा लगता है कार्ड्स के साथ, तो आंसर देखिए इट इज कॉल्ड अ पैक ऑफ कार्ड्स, ताश की गड्डी। आप हिंदी में बोलते होंगे तो अब आप यूज करेंगे पैक ऑफ कार्ड्स, क्या बोलते हैं पैक ऑफ कार्ड्स। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, व्हाट डू यू कॉल अ कलेक्शन ऑफ स्टोन्स, कि जो पत्थरों का जो ग्रुप होता है, जो संग्रह कलेक्शन होता है, उसको क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड अ, सॉरी आंसर नंबर 13, इट इज कॉल्ड अ हीप ऑफ स्टोन्स, हीप मतलब जो ढेर होता है, हीप ऑफ स्टोन्स पत्थर का ढेर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डू यू कॉल अ कलेक्शन ऑफ शिप्स, जो शिप्स होते हैं, जो नाव या शिप्स होते हैं जो पानी में चलते हैं, इट इज कॉल्ड अ फ्लिट ऑफ शिप्स, उनको कहते हैं फ्लिट ऑफ शिप्स, मतलब जो एक साथ चलते हैं, बेड़ा एक तरह से होता है वो बेड़ा जो एक साथ चलते हैं, इट इज कॉल्ड अ फ्लिट ऑफ शिप्स। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू कॉल अ कलेक्शन ऑफ हे, हे मीन्स होती है बेटा घास, तो आंसर देखिए इट इज कॉल्ड अ स्टैक ऑफ हे, घास का ढेर। ये देखिए अब यहाँ पर ढेर पर हम अलग अलग हो गए हैं, यहाँ पर है हीप ऑफ स्टोन्स और यहाँ पे है स्टैक ऑफ हे, तो घास के ढेर को स्टैक ऑफ हे कहेंगे और पत्थर के ढेर को हीप ऑफ स्टोन्स कहेंगे। बेटा डिफरेंस भी है इसमें, हम एक साथ नहीं, जैसे कि ढेर को हम अलग अलग यहाँ पे प्रोनाउंस करेंगे, उनका मीनिंग ही अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू कॉल अ कलेक्शन ऑफ ए, तो इट इज कॉल्ड अ स्टैक ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डू यू कॉल अ कलेक्शन ऑफ स्टार्स, अब आप देखते होंगे रात में कि जो तारे होते हैं वो सभी एक साथ ही निकलते हैं, तो हम इसको एक अलग से नाम देंगे, हम ये कहें एक अलग से होगा इसका नाम, इट इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार्स, कॉन्स्टिलेशन मतलब कि जो तारों का जो ग्रुप होता है उसको कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। व्हाट डू यू कॉल अ कलेक्शन ऑफ सेलर्स, आंसर देखिए इट इज कॉल्ड अ क्रू ऑफ सेलर्स, नाविकों का कलेक्शन, इसको कहते हैं हम क्रू, कलेक्शन मीन्स संग्रह, तो हम इसको प्रोनाउंस करेंगे क्रू ऑफ सेलर्स, उनका समूह। तो बेटा देखा आपने इस तरह से कि हम अलग अलग एनिमल्स के, पीपल्स के और थिंग्स के ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं। ठीक है, थैंक यू।